जोहार ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। खुंटपानी प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उद्घाटन प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, जिला परिषद सदस्य यमुना तियू एवं विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पांड्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। अब खबर विस्तार से। खुंटपानी प्रखंड सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, जिला परिषद सदस्य यमुना एवं विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पांड्या ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख श्री होनहागा ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश जिनके आर्थिक रीढ़ कृषि पर आधारित है, जिसे बेहतर बनाने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है, ताकि किसान पुराने परंपरागत कृषि पद्धति से ऊपर उठकर आधुनिक तरीके से कृषि कार्य करें तथा पैदावार को बढ़ाकर देश की आर्थिक नींव को मजबूत कर सकें। बताया कि खेत में धान की कटाई हार्वेस्टर से होती है, उससे जो अवशेष पराली बचता है उसे जलाना नहीं है, इससे उर्वरा शक्ति मिट्टी की कमजोर होती है, किसान उसे खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर परिवर्तन के अनुसार खेती करने की किसानों को सलाह दी। वहीं जिला परिषद सदस्य यमुना तियू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मौके पर जिला परिषद सदस्य यमुना तियू, विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पांड्या, कृषक सलाहकार विरसा तियू, एटीएम अलका सुरीन, भानु प्रताप, प्रिया ज्योति हेमरम, बामिया चोड़ा, पांडु बोदरा, राहुल बानरा आदि उपस्थित थे।